जब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है नाम को बदलना, नाम को रखना, ऐसे में तो हमारा प्रथम अधिकार बनता है कि हम मांग करें कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब के नाम से हो। जब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है नाम को बदलना, नाम को रखना, ऐसे में तो हमारा प्रथम अधिकार बनता है कि हम मांग करें कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब के नाम से हो। अम्बेडकर के नाम से नई संसद का नामकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। साथियों, आज हम रामलीला मैदान में यहां इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रथम मांग है कि संसद का नाम बाबा साहब के नाम से किया जाना चाहिए। साथियों, आपका स्वागत है। आप भी संघर्ष करेंगे, मेरे अकेले से नहीं होगा। धन्यवाद। तो हमारी जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो सकता है, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है। जब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है नाम को बदलना, नाम को रखना, ऐसे में तो हमारा प्रथम अधिकार बनता है कि हम मांग करें कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब के नाम से हो। आपको आज शपथ लेके जाना है कि जब तक नाम संसद का बाबा साहब का नहीं होता, आज के बाद जाकर के अपने प्रदेश की राजधानियों में आप अपने जिलों पर प्रदर्शन धरना करेंगे, और जब तक बाबा साहब का नाम नहीं होता तब तक पूरे देश में संघर्ष चालू रहना चाहिए। सर, आगे देखिए, ये भीड़ ऐसे से नहीं बुलाई है, ये भीड़ पैसा भी देती है, हमें अपने किराए से भी आती है, अपने पैसे पर रुकती भी है। ये भारत में शायद एक ही संगठन होगा जिस संगठन में मुझे बाहर से कोई सहयोग शायद ही लेने की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में बहुत मुश्किल है कोई एक छोटा सा सम्मेलन करना, सभा करना, कि जब तक कालाधन न लगे या कहीं किसी से पैसा न मिले। लेकिन हम लोग 97 से ऐसा कभी नहीं किए। आज के समय में विपक्ष में होते हुए माननीय हरीश रावत जी, आज के समय में विपक्ष सामाजिक संगठन को भी विपक्ष माना जाता है। माननीय नंद कुमार बौद्ध जी, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के पिताश्री भी पधारे हुए हैं आपके समर्थन में, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखिए, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपने चंदा पहले से इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स आंदोलन नहीं करने देगी।
जो नेता सिर उठाएगा उसके घर पहुंच जाए। तो विपक्ष की लड़ाई इसलिए कमजोर हो रही है। और दूसरा है ईमानदार नेता। ईमानदार नेता के पास में संसाधन नहीं होता, पैसा नहीं होता। अब दोनों परिस्थिति में विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो रही है। ऐसी परिस्थितियों के दौर से भारत गुजर रहा है। आज सामाजिक संगठन भी बंद किए जा रहे हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस बंद करा दिया गया और ऑक्सफॉर्म इंडिया का भी, यूएस एड का भी। तो जो सामाजिक संस्थाएं एक्टिविटीज करती थी उनके ऊपर भी विराम लग गया। हमारा एक परिसंघ है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कभी झुकने नहीं दिया, चाहे मैं सत्ता में रहा तो उतना ही ताकत से लड़ा। एक बार की रैली है, रैली हमें यहां से किए, दूसरे दिन पार्लियामेंट में सुबह सुबह हम पहुंच गए। और मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी 11:30 बजे पहुंचे, मैं भी पहुंचे। तो मोदी जी ने कहा, भाई रैली तो तगड़ी रही, मैं सत्ता पक्ष में रहते हुए भी रैली करता था, ये हमारी ईमानदारी की ताकत है। आपके वजह से कोई करके दिखा दे, ये कर नहीं सकता। लगातार 5 साल सत्ता में रह करके रैली करता था और सत्ता पूछती थी कि भाई हमारे ही खिलाफ आप रैली करते हो। हमने कहा कि हमारी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक हम संघर्ष करेंगे, आपके खिलाफ नहीं कर रहे। हम व्यवस्था से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप लोगों के सहयोग से अगर आज परिस्थितियां दिल्ली में चुनाव न होता, यहां जगह नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण किसने लागू किया। एक बार हमेशा कही जाती है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। हम ढूंढ ढांड के लाए हैं, यह जो झगड़ा लगाया गया इसके वजह से हम बर्बाद हुए। वो कैसे बर्बाद हुए हैं, ये आजादी के पहले की बात है, जब सिद्धू कास्ट फेडरेशन के सारे कैंडिडेट हार गए थे, जिसमें बाबा साहब भी हारे थे। 1946 की बात है। इट इज टू बी नोटेड दैट बाबा शाह ऑन हिज पोलिटिकल आउटफिट सिद्धू कास्ट फेडरेशन लास्ट काल सिक्किम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड दैट हैपेंड इन 1946। Then he was compelled to seek his seat for the assembly from Nuwakholi, which is now in Dhaka. उस समय हमेशा ये कहा जाता है कि पटेल ने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो खिड़कियां दरवाजे क्या खिड़कियां ही बंद कर दें, लेकिन पूरा सच्चाई जानना चाहिए। आजादी के बाद बाबा साहब की सदस्यता असेंबली में नहीं रही, एक कांग्रेस ने बाबा साहब को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाने का काम किया, ये सच्चाई है। वो लोग नहीं जानते बाबा साहब का स्पीच। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी को या सेकुलर पार्टी को सबसे ज्यादा आजादी के बाद में अगर कोई भ्रम फैलाते हैं, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं मैं समझता।
और जब बाबा साहब ने स्पीच देना शुरू किया संसद में तो उन्होंने कहा था मैं तो इतने से ही खुश था कि मैं तो संविधान कमेटी का मेंबर बन गया, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। ये बाबा साहब का स्पीच है। जय भगवान जाटू जी, आपका अभिनंदन, मंच पर इनको लाए। ये बाबा साहब का स्पीच है। तो जिस तरह से जिन ताकतों ने दलितों आदिवासियों की मदद किया उन ताकतों को अपने ही लोगों ने कमजोर किया एक भ्रम फैला करके इल्यूजन के द्वारा, वो अभी वो इल्यूजन है। मैं जब क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग यही कहते, और यही नहीं वो 1952 में जब चुनाव मुंबई से बाबा साहब लड़े थे वह भी असत्य है। वह भी कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं हारे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जाने से चुनाव हारे थे। तो यह भी गलत है कहना कि कांग्रेस ने हरा दिया। यह भी कहता हूं 1954 में राज्यसभा भेजने में फिर से कांग्रेस ने मदद किया था। एक मैं हाइपोथेसिस रखता हूं, आजादी के बाद अगर अमेरिकन सिस्टम में भारत की अर्थव्यवस्था चलती, इस सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बाकी चाहे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इंडस्ट्रीज हो, स्टील बनाना हो, ये सब प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए या दिया जाता है जैसे यूरोप और अमेरिका में, तब दलितों को कहां से आरक्षण मिलता। प्रजापति जी तब कहां से मिलता। अब 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, 56 में LIC का नेशनलाइजेशन हुआ, 69 में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 77 में ऑयल फील्ड का नेशनलाइजेशन हुआ, कोल क्षेत्र पहले प्राइवेट सेक्टर में था उसका नेशनलाइजेशन हुआ, वहीं तो नौकरियां मिली हैं। मान लो कह देते कि हमको अमेरिकन सिस्टम में जाएंगे, तब भले संविधान की किताब हमारे सामने रहती और आर्टिकल 16 रहता तो भी आरक्षण हमें कहां मिल पाता, क्योंकि सरकारी कंपनियां ही न होती, सरकारी इंस्टीट्यूशन ही न होते, कहां से मिलती। तो इमोशनल बातें करके मुसलमानों के खिलाफ बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा करना, सवर्णों को बोल करके दलितों को इकट्ठा करना, दलितों के खिलाफ बोल के आदिवासी को इकट्ठा करना, एक जाति के खिलाफ बोल करके दूसरे जाति को इकट्ठा करना, ये बहुत सरल और सहज है और जनता इस पर इकट्ठा भी हो जाती, लोग मरने मिटने के लिए तैयार भी हो जाते। ये भावनाओं का शोषण है और कुछ नहीं है। अगर किसी ने दलित समाज के लिए लड़ा है तो जो मंच पर बैठे हुए हमारे पुराने साथी हैं, दाएं बाजू में भी हैं, बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिसका नाम लूं, उन सबका है। 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को अगर किसी ने वापिस कराया तो परिसंघ की लड़ाई में ही वापिस किया था। माननीय काशीराम जी से, रामविलास पासवान जी से बड़ी रैली हुई थी यहां, और मैं नहीं कहता, अखबार की रिपोर्टिंग अभी भी है, तब जाकर के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, आरक्षण बचा था। नागराज की केस की पैरवी हमने किया था, सरकारी पैरवी से ही 85th अमेंडमेंट नहीं बच सकता था,
उसको बचाने का काम परिषद ने किया था, नहीं पदोन्नति में आरक्षण और सीनियरिटी का भी घाटा हमें हो गया होता। हमने शुरू कर SC ST एक्ट बताया था, बहन मायावती जी ने खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल करके SC ST एक्ट में जिसको खात्मा उत्तर प्रदेश में किया था उसको भी बचाने का काम किया था। जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना का नारा हुआ करता था यहाँ पर, देश के अंदर कोई संस्था नहीं थी जिसका विरोध किया होगा। हमने इंडिया गेट से लेकर के कनॉट प्लेस तक मार्च निकाल करके जाम किया था। अन्ना को हमने चुनौती किया था कि लोकपाल में आरक्षण होना चाहिए और लोकपाल में आरक्षण करा के हमने छोड़ा था। मैं नॉन MP होते हुए भी MP की कमेटी के सामने उपस्थित हुआ। लालू यादव जी उस समय मेंबर कमेटी में थे, पासवान जी भी थे, और हमारे वजह से जो लोकपाल बिल हमने पेश किया था लोकपाल में आरक्षण हुआ। और उसके बाद में अन्ना की नानी मर गई, केजरीवाल की नानी मर गई, फिर लोकपाल का नाम याद नहीं आया, लोकपाल इम्प्लीमेंट नहीं कराया, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं का भी आरक्षण होगा। वो लोकपाल बिल हमने पेश किया था और इतिहास है। अगर 30 साल 25 साल के इतिहास में अगर किसी ने कुछ दलितों को दिया, आदिवासियों को दिया, तो मार्ग परिषद ने दिया, अगर किसी और ने दिया हो तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। हम इमोशनल बात नहीं करते, हम इमोशनल बात नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है और लगातार इसका घाटा हमने सहा। हम भी इमोशनल काम, इमोशनल बातें करके माला माजिया जैसी लड़ाई, मातंग महार जैसी लड़ाई, जाटो बनाम वाल्मीकि की लड़ाई, खटीक बनाम पासी की लड़ाई, इन जातियों का अगर हम चाहते तो बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन हम जाति विहीन समाज में विश्वास करते हैं। हम परिसर में किसकी क्या जाति है यह भी जानना मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अम्बेडकरवादी रास्ता नहीं, वी आर नेवर डन इट, वी हैव बीन ऑलवेज प्रमोटेड लायंस नॉट कावर्स। मुझसे भी अच्छा काम करने वाला हो उसको हमने हमेशा चाहा है। ये डॉक्टर ओम सुधा का मेन मेहनत रही है, मैं तो कहीं और जगह पर और साथियों का मेहनत रही है, मैंने तो इतना हाथ लगाया भी नहीं है। अगर मैं लगा दूं कि रामलीला मैदान ओवरफ्लो हो सकता, क्योंकि मुझे बड़ी कई जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुपरविजन था। उसका ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि बिना पैसे से कोई भीड़ बुला दे, चाहे जो हो इस रामलीला मैदान में इतनी भीड़ आ जाए। डॉक्टरों की प्राण जिंदाबाद, डॉक्टरों की प्राण जिंदाबाद। साथियों मैं बीच में आपके आऊंगा, मेरे जैसे मैं नीचे बैठ ऊपर कभी बैठता हूं, आप भी पीछे बैठ जाए, कुर्सियां खाली हैं। मैसोर गारू आपका मैसोर राज ने बहुत बड़ा काम किया। मैसोर राज ने उस समय मुझे तकलीफ दिया था। मैसोर राज लिसन प्लीज प्लीज आई लिसन 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 दिसंबर 2020 में कोविड अपनी रवानी पर था, वहां से मैसोर गारू का फोन आया कि आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। हमका किस बात का करना, कहा कि संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर से होना चाहिए। उस समय मास्क पहन करके भी नहीं निकला जा सकता था, ये 10 दिसंबर 2020 की बात है। हमका चलो हमारा एक साथी कह रहा है, और हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया कोविड के दौरान
सब लोग डर रहे थे। हम कहा चलो जो गिरफ्तारी होगी तो देखा जाएगा। हमने यहां काम किया, इन्होंने 800 एमपीओं को लेटर लिखा, इन्होंने जो गदरगारू बलाडियर हैं उनका सपोर्ट लिया और वहां के विपक्ष सीएलपी लीडर भट्टी रवि विक्टर मार्का उनका भी सपोर्ट मिला और तेलंगाना की सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि मोदी जी संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेसलेस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तथ्य के आधार पर कि देश की एक राज्य सरकार समझती है कि ये मांग जनून है तो ये हमारी कमजोरी होगी। क्यों अनिता जी कि हम नामकरण बाबा साहब का नहीं करा पाते, ये हमारे अंदर कमी होगी। तो तरह